नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है वृषभ राशि के लिए जनवरी 2014 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा सूर्य ग्रह के बारे में। 14 जनवरी तक जो सूर्य है वो धन राशि में चलते हैं, जो राशि से अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान में सूर्य का भ्रमण शुभ नहीं है, खास करके आपको फैमिली एवं फाइनेंशियल रिगार्डिंग मैटर में केयर करना है। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करें, फादर के साथ रिलेशन में केयर करें और अपने हेल्थ का भी केयर करें। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य चलेंगे मकर राशि में तो चलेंगे राशि से भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में सूर्य का भ्रमण शुभ माना गया है, भाग्य में वृद्धि करने वाला है। मीन्स जनवरी के जो प्रथम 14 दिन है वो आपको शांति से पास करना है। मंगल चलेंगे कन्या राशि में, राशि से पंचम स्थान में, जो भी महत्व ऐसा मानेंगे कि मध्यम प्रकार का है, ना ज़्यादा शुभ है ना ज़्यादा अशुभ है। जो भी जातक शेयर बाजार सट्टा लॉटरी रिगार्डिंग कार्य करते हैं उनको लॉसिस आ सकते हैं। लव मैटर में माइनर डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे और व्हीकल ड्राइव में आपको केयर करना है। रिलेशन विथ फ्रेंड्स, मित्रों के साथ रिलेशन में केयर करना है और आकस्मिक खर्च बढ़ सकता है। बुध चलेंगे 8 जनवरी से 26 जनवरी मकर राशि में, जो राशि से भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान में बुध का भ्रमण शुभ है, भाग्य में वृद्धि करने वाला है। गुरु चल रहे हैं मिथुन राशि में, राशि से दूसरे स्थान में गुरु का भ्रमण शुभ माना गया है। सूर्य भले चलेंगे प्रथम 15 दिन आपके अष्टम स्थान में, लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है वो गुरु की दृष्टि में है, जिसके कारण फैमिली के लिए जो एक्सपेंसेस है उनको केयर करेंगे और फैमिली मेंबर्स के साथ भी रिलेशन में ये गुरु केयर करने वाले हैं। मीन्स गुरु का भ्रमण जो है वो आपके लिए शुभ है, रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं, आयुष्य बल में वृद्धि करने वाले हैं और करियर में भी ये गुरु सहाय रूप है, क्योंकि दसवें स्थान में गुरु की नवमी दृष्टि पड़ रही है। शुक्र चलाएंगे वक्र गति से धन राशि में 6 जनवरी से। शुक्र चल रहे हैं भाग्य स्थान में और वक्र गति से धन राशि में आ रहे हैं, जो राशि से अष्टम स्थान में है। भाग्य स्थान में और अष्टम स्थान में दोनों स्थान में शुक्र का भ्रमण शुभ माना गया है। शुक्र जो है वो छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ करवा सकते हैं। शनि और राहु चल रहे हैं आपके 6वें स्थान में, जो रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं, और केतु चलेंगे 12वें स्थान में, जो आपको लग्जरियस एक्सपेंसेस कराएंगे और ट्रैवलिंग में खर्च आपका बढ़ सकता है। खास करके आपको डेट्स कौन से केयर करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार हैं। डेट्स आपको केयर करना है 1 और 2 जनवरी, जिसके अंदर जो चंद्र हैं वो धन राशि में रहते हैं। धन के चंद्र जो हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र है। अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में केयर करना है। डेट सबको केयर करना है 9 और 10, जिसके अंदर जो चंद्र है वो मेष राशि में रहते हैं। मेष के चंद्र आपकी राशि से 12वें स्थान के चंद्र हैं। 12वें चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और डेट सबको केयर करना है 28 और 29, जिसके अंदर चंद्र अगेन चलेंगे धन राशि में, जिसके अंदर आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में केयर करना है। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करिए चैनल पर, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।